अवध न्यूज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज लॉकडाउन 4 का अंतिम दिन था। लॉकडाउन 4 के अंतिम दिन हमने महमूदाबाद क्षेत्र के लोगों से उनकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं लॉकडाउन 4 के संबंध में जानी। आइए अवध न्यूज की खास रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। 500 मरीज थे उस समय लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन कराने के प्रयास किए गए। उसके बाद इस समय कोरोना की मरीजों की जो एक्टिव की संख्या करीब 1,80,000 टोटल मरीज हैं और बड़ी संख्या में एक्टिव मरीज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि जब कोरोना फर्स्ट स्टेज में था, ठीक है, तब लॉकडाउन किया गया और सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम भी उठाया था, लेकिन धीमे धीमे कोरोना के मरीज बढ़ते रहे। सरकार उसके ऊपर सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी कराती रही, पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की टीम हो, चाहे आप मीडिया से जो है खबरें जो आती रहती हों, वो सब बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किया गया और इसका मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर टीम का, मीडिया टीम का, पुलिस टीम का। उसके बाद जब कोरोना की ये स्थिति आ गई, धीमे धीमे मरीज अब सही भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर भी अब ठीक हो रहा है, गर्मी भी थोड़ी से बढ़ रही है धीमे धीमे, लेकिन कोरोना बीमारी जो ऐसी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, तो इससे सावधानी तो हमको खुद को बरतनी चाहिए। आर्थिक मंदी होती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कब तक हाथ पर हाथ रख के बैठेगी? कब तक लोगों को भूख राशन मिल रहा है, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी क्या है, सरकार कितने लोगों को कायदे से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये तो हम आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो भूखे मर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने कदम क्रमबद्ध तरीके से खोलने के जो उठाए हैं, बहुत सही उठाए हैं। अब लोगों में बेरोजगारी खत्म होगी धीमे धीमे, फैक्ट्रियां अपने काम पे आएंगी, फैक्ट्रियों में जो मजदूर वापस आया है बाहर से, वो जब यहाँ अपने जैसे उत्तर प्रदेश में आ गया, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आया, अब उत्तर प्रदेश में वो काम ढूंढेगा, तो काम ढूंढने के लिए उसको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन उस कोरोना की बीमारी को देखते हुए हमको लोगों को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपने खुद में सावधानियाँ वो बरतनी चाहिए, जैसे हाथ धुलना है समय समय पर, समय समय मास्क लगा के टहलना है, लोगों से दूरी बनाए रखनी है, ये सब चीज़ें हम लोग को खुद एहतियात रखनी पड़ेंगी। ये सरकार के ऊपर हम डिपेंडेंट होकर ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, लॉकडाउन जो किया गया, लॉकडाउन के दौरान में करीब 4 चरण रहे, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? देखिए, फ़ायदा ये हुआ कि हमने अपनी जान बचाई, इससे बड़ा फ़ायदा कुछ हो ही नहीं सकता है। और नुकसान की बात आप कर लीजिए तो भाई, बेरोजगारी बढ़ गई हमारे देश में, मंदी आ गई हमारे देश में, हमारे देश में बहुत लोग बेचारे भूख से मर गए, बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा, बस यही सब नुकसान है। और एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ, हमने अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बचा लिया। लॉकडाउन 1 से लगा करके लॉकडाउन 4 तक जो स्टेज रही प्रशासन की, सरकार की गाइडलाइंस, अब अनलॉक 1 आ गया है, तो कुल मिला के आप सरकार के इन कदमों से सहमत हैं? नहीं, हम सहमत तो हैं सरकार के कदमों, लेकिन सरकार को और भी अच्छे प्रयास करना चाहिए, और भी क्रमबद्ध तरीके से, जैसे खोल रहे हैं लॉकडाउन कि लॉकडाउन 8 तारीख से मैरिज हॉल खुलेंगे, 8 तारीख से बारात घर खुलेंगे, तो वो एहतियात तो हमें बरतनी पड़ेगी कि ज़्यादा लोग ना जाएं अभी जब तक कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है। पर सरकार जो कर रही है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, और सरकार को इससे अच्छे कदम और उठाने चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ और कहने से। जब संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की 500 कुछ थी, तब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। वर्तमान में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने का काम किया जा रहा है, ऐलान किया गया है, लेकिन जो संख्या है वो 1,80,000 के पार है। तो आप ये बताइए कि क्या यह कार्य उचित है? जब भारत में जब कोरोना मरीजों की संख्या कम थी, तब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत जो है सख्ती से पालन किया, और जब जो है अब मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो गवर्नमेंट को इस तरह से लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। जिस तरह से वो धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद और मॉल वगैरह सब कुछ खोल रही है, गवर्नमेंट को धीरे धीरे इस पर जो है काम करना चाहिए था। इस बीच लॉकडाउन के बीच जो कोरोना का काल चला, उस बीच जो दुकानदार थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप भी दुकानदार हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा कोरोना के समय में जो है मीडियम क्लास का जो है दुकानदार प्रभावित हुआ है, छोटे स्तर का जो डेली कमाता था, खाता था, सबसे ज़्यादा उसको समस्या इससे हुई है। गवर्नमेंट ने
अब जो है लॉकडाउन अनलॉक जो है वन खोल दिया है कम, तो इसके जो है एक दुखद परिणाम होंगे, कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, समाज में जो है मार्केट में जब भारी संख्या में जनता निकलेगी तो इसके जो है बहुत आने वाले समय में ज़्यादा जो है परिणाम निकलेंगे कोरोना मरीज के। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 कुछ थी, देश में तत्काल लॉकडाउन हुआ, परंतु आज 180,000 के पार पहुंच चुकी है संख्या और लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मेरा मानना यही है कि जब इतनी मेहनत सरकार ने की है, जब इतना सब कुछ खर्चा किया है और जब कम मरीज थे तो लॉकडाउन चल रहा था, आज ज़्यादा मरीज है, 180,000 हो गए हैं, 2,00,000 के आसपास हो गए हैं, तो इसको खोलना हमारे लिए भाई उचित नहीं है, क्योंकि सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ ये है, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और कुछ चीज़ों को छूट दें जिससे सरकार का अर्थव्यवस्था में चरमराए नहीं, बाकी भाई यहाँ हिंदुस्तान में अपने इतना कोई समझदार मतलब कि बिना डंडे के तो मानता नहीं है, सीधी सी बात है भाई, डंडे के नहीं मानता। अब यहाँ का अपने महमूदाबाद का प्रशासन अगर अलर्ट नहीं होता तो आज अपने महमूदाबाद प्रशासन की हम कुछ तारीफ करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अलर्ट नहीं होता तो आज इसमें यहाँ पे एक भी मरीज नहीं है, तो ये प्रशासन की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है हर चीज़ बुराई होती है। अच्छा अगर यहाँ पे कुछ जरा सी भीड़ नहीं होती तो आज ये भी बाराबंकी बिसुआ बन चुका होता। लॉकडाउन था तो उस समय बिक्री तो बिल्कुल ठप हो गई होगी, अभी जैसे ही सरकार ने ऐलान किया है दुकानों को खोलने का, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन व्यापारी भाई थोड़ा तो निराशा से आशा हुई, लेकिन साथ साथ देश में जो कोरोना का है तो उस पर चिंतन भी करने की बात है भाई, चिंतन जैसे कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो अब खतरा हमको भी है ना, हम भी व्यापारी हैं, हमको भी खतरा है भाई, हम बैठे हैं, हर तरह का आदमी हमारे पास आता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का चाहे जितना करो पालन करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाती है, इसलिए हमको लगता है जो है एक तरफ लॉकडाउन खुलने का व्यापारी को फ़ायदा भी है लेकिन एक तरफ देश को नुकसान भी है। सर ये बताइए, जब देश में 500 कुछ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थी तो एकाएक लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया, परंतु आज जब 180,000 के पार संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है तो लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सरकार द्वारा बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि सरकार के पास जिस टाइम मरीजों की संख्या स्टार्ट हुई थी उस समय व्यवस्था इतनी नहीं थी, मगर आज की तारीख में योगी जी के माध्यम से 1,00,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को खोलने का प्रयास किया है पूरा पूरा। अच्छा सर, जिस प्रकार से आम जनमानस जो मध्यम वर्गीय परिवार था जो दिक्कतों का सामना कर रहा था, दुकान खोलने का जो आदेश आया उसके बाद एक बहुत बड़ी राहत मिली होगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहत तो विशेष तरह भी इतनी नहीं मिली है, क्योंकि जो टाइमिंग है हम लोगों के क्षेत्र में वो टाइमिंग है जो सही नहीं है, क्योंकि 11 से 5 धूप रहती है और धूप के समय कस्टमर कम आते हैं, बट ये है कि घर से बैठने से तो अच्छा ही है कि अपना समय बाहर थोड़ा दुकान में निकल जाता है आदमी का, थोड़ा बहुत बिकता भी है, मगर जिस हिसाब से बिकना चाहिए वो चीज़ नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान भारत में जब 500 के करीब मरीज थे तो लॉकडाउन घोषित किया गया, बड़े ही सतर्कता से लॉकडाउन का पालन कराया गया, उसके बाद आज जो टोटल कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा है करीब 180,000 के आसपास है, उसके बाद भी इस समय लॉकडाउन खोलने की शुरुआत कर दी गई है, लॉकडाउन खोलने का पहला चरण 1 जून से शुरुआत हो रहा है, इसमें इस विषय पर क्या कहेंगे आप? इस विषय पर यह कहना है कि जो हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है इसमें हमारे यहाँ संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अच्छी किस्म की है और लोगों को केयर करने में यहाँ के जो डॉक्टर हैं या नर्सें हैं वो अपनी जी जान दिए हुए हैं और मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे इंस्पेक्टर साहब हो,
चाहे SDM साहब हो, कोई भी अगर बाहर से आता है तो तत्काल उसको हम लोगों को खबर होती है, हम लोग लेके पहुंचते हैं, फ़ोन आता है और उनका तत्काल ट्रीटमेंट होता है, या तो अपने घर पे क्वारंटीन होते हैं या किसी स्कूल में होते हैं। इसको देखते मद्देनज़र देखते हुए हमारे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाले समय में जो मोदी जी ने कहा है कि 8 तारीख के बाद कुछ ना कुछ रियायतें दी जाएंगी आपको, तो उसमें ये है कि 8 तारीख के बाद जब रियायतें मिलेंगी तो हमारी जो मंदी है इसके बारे में मोदी जी सोच रहे हैं कि मंदी उठे, पैसा उठे हमारा, तो ये अच्छी सोच है। और बिजनेस भी जो छोटे मोटे कारखाने बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं या नर्सिंग होम भी बंद पड़े हुए हैं, आम का जो काम लोगों का चल रहा है इसका एक्सपोर्ट भी रुका हुआ है, तो ये सब योगी जी और मोदी जी जो देख रहे हैं अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसमें जनता का हित होगा, जनता का ही फायदा होगा। लॉकडाउन 1 हुआ, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। इस दौरान आप इसको फायदा लोगों का हुआ या नुकसान हुआ, इसे किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, इससे बहुत फायदा हुआ, जनता को भी अच्छा फायदा हुआ, लोग अपने घर में हैं, मरीज भी कम निकल रहे हैं, कोरोना के भी मरीज कम निकल रहे हैं, जो आदर मरीज होते थे गर्मी सर्दी से, जुखाम से या किसी को और प्रॉब्लम होती थी, नर्सिंग होम पे भीड़ होती थी, अस्पतालों में भीड़ होती थी, अब ये है कि सब स्वस्थ है और अच्छे खासे एक्सीडेंट भी होते थे, जो एक दिन के अंदर दसियों हजार आदमी हिंदुस्तान में मृत्यु हो जाती थी, उससे भी लोग बच गए हैं। जितना फ़ायदा होना चाहिए था बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे देश में, मतलब लॉकडाउन से। और जो 5वें चरण का जो बताया 8 तक के है, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके बाद में थोड़ा चलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो ये जो मद्दी का दौर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद सर। जब संख्या 500 कुछ थी तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया लॉकडाउन का, आज संख्या जो है आपकी 1,80,000 के ऊपर है कोरोना संक्रमित मरीजों की, और ऐसे समय में लॉकडाउन का खुलना, यानी कि आप इस पे सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी, सरकार के पास एक डाटा था 500 का और एक डाटा अपने पड़ोसी देश चीन का था, जहाँ पे महामारी ने अपने पैर फैला दिए। नोटबंदी में भी यही उन्होंने किया था, बिना किसी तैयारी के हिटलरशाही का फरमान जारी कर दिया था, और उसी तरीके से पूरी तरीके से गरीबों को मारने वाली, व्यापारियों को नष्ट करने वाली, एक इन्होंने दिल्ली में बैठकर पूरे देश को इन्होंने घर में बंद कर दिया, पूरी तरीके से विफल है। कोई तैयारी इनकी न थी, न है, न भविष्य में होगी। इन्होंने 6 साल में सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ खेला है, भारतीयों की भावनाओं के साथ खेला है। कोई व्यापारी जो घर में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पूरी तरीके से विफल रहा है। एक आरोप लगाया जा रहा है, कई चैनल्स ने बोला है, कई मजदूरों ने खुल के बोला है कि भाई आपने कहा कि हम मजदूरों को सही सलामत जो है घर पहुंचाएंगे, वादे किए, लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं जिनके पाँव में छाले तक पड़ गए, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो खुद झूठ की नाव के सहारे सत्ता में आए, जिन्होंने कहा कि हम चाय बेचते थे, जिन्होंने कहा कि हम MA हैं, वो आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए, वो गरीबों को क्या दर समझेंगे? लोग अपने ही क्षेत्र में 17,000 प्रवासी मजदूर नागपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ से आए हैं, ठीक, और आप बंद कमरे में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने जिलाध्यक्षों को, अपने विधायकों को, गरीबों की कोई सुनने वाला कहां है? आप दोष लगाते हैं नेहरू और कांग्रेस को, ऐसा नहीं होता है, गरीब है। मध्यम वर्गीय जो जनता है और जो गरीब जनता है, लॉकडाउन का कितना बड़ा असर उनके ऊपर पड़ा होगा? पूरी तरीके से असर हुआ है, लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, आटा दाल चावल तो व्यवस्था कर ली गई, दवाइयां नहीं थी क्योंकि साधन नहीं था, साधन भी नहीं था, इसके साथ साथ कोई इनकम नहीं बची थी, कोई उनके पैसा आने का कोई साधन नहीं था, पूरी तरीके से गरीब जहां था वहीं रह गया, और उससे 10 साल पीछे हमारा देश चला गया, सिर्फ हवा में बातें करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, 5 लोगों को बिठा दिया, TV पे डिबेट कर ली, आप जमीनी हकीकत देखिए क्या है, कहां थी क्या है, आप अपना वर्तमान, अपना महमूदाबाद देखिए, लोग कहां थे, कहां पहुंच गए, आने वाले समय में कहां होंगे। सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन के पहले था भ्रष्टाचार, और कई जगह पे ऐसे डॉक्टरों, स्वयं डॉक्टरों द्वारा ये आरोप लगाए गए कि PPE जो किट है उसमें भी कुछ घोटाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, BJP पार्टी तो पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन पार्टी, आप कहीं भी होइए, आप भ्रष्टाचारी हैं अगर BJP में जाके आप गंगा की तरह पवित्र हो जाएंगे, तो BJP सरकार में भ्रष्टाचार पे आप कोई सवाल ही मत करिए, अगर आप कहें भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपकी मानसिकता गंदी है, इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं है? दिल्ली में बैठी हुई सरकार में नहीं है या मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार में नहीं है? आपने कांग्रेस से विधायक तो ले लिए,
और कांग्रेस ने बसें आपको प्रोवाइड कराई तो वो नहीं ली चूंकि वो विपक्षी थी, क्योंकि उससे गरीब आदमी जाता था। आपने बसें ले ली चूंकि आपको सरकार बनानी थी। मानसिकता बदलिए, देश तो अपने आप बदल रहा है। अच्छा, जिस हिसाब से सरकार ने अपना जो है कोरोना के समय जो काम किया, कार्यों का निर्वहन किया, उसके हिसाब से आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर उसको दिया जाता है जो परीक्षा में बैठे। अगर नंबर ही देना है तो प्रधानमंत्री को खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को जनता के बीच भेजना चाहिए। नंबर जहां तक है, मैंने फिर एक बार कहूंगा, नंबर उसको दिए जाते हैं जो परीक्षा में टेस्ट में बैठे। और नंबर की ही बात है, अगर डेटा के साथ खेलना है तो 10 में पूरी तरीके से मैं 0 नंबर दूंगा, और जब जब ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तब इसको जनता की तरफ से 0 नंबर ही दिए जाएंगे।